वर्चुअल क्लास में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पहले से पता है कि आज हम लोग जूलॉजी का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूनिट थ्री से हमने लिया है मसल्स एंड द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशियां और पेशीय संकुचन। एक बहुत ही रोचक विषय है और इसकी जो बायोकेमिस्ट्री है जिसे आप अपनी किताबों में तो पढ़ रहे होंगे, और इस व्याख्यान के माध्यम से मेरा ये प्रयास है कि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें, और एक बार इस व्याख्यान को सुनने के बाद आप घर में जरूर पढ़िएगा इसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मसल्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले तो यू मस्ट नोट डाउन द सिनॉप्सिस ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप किन बिंदुओं पर अपना उत्तर देंगे, तो ये सारे बिंदु आप पहले तो नोट करें। तो उसमें देखिए, इंट्रोडक्शन होगा आपका पहले, देन उसके बाद में अपन लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स की। मसल्स के जो तीन प्रकार हैं, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, कार्डियक, जिनको क्रमशः हम रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां कहते हैं। तीसरा बिंदु होगा हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, जो पेशियां हैं उनकी परासंरचना। चौथा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल्स, मसल्स का रासायनिक संगठन। पांचवा बिंदु है प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, पेशियों की गुणधर्म और उनकी प्रॉपर्टीज। छठवां है बायोकेमिस्ट्री ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में आपको यहां विस्तार से बताना होगा। सातवां बिंदु होगा हमारे उन ऊर्जा स्रोतों के बारे में जो लगातार मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय आवश्यक होते हैं, दे आर कॉल्ड द एनर्जी रिसोर्सेज। और देन लास्ट में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कुछ ऐसे बिंदुओं की जो आपको हमेशा याद रखना है, दे आर कॉल्ड थिंग्स टू रिमेम्बर। और इसी के साथ सारांश और रेफरेंसेज पर चर्चा होगी। तो चलिए, आइए हम लोग शुरू करते हैं पेशियों के बारे में। तो बच्चों, सामने जो आपके स्लाइड है इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पूरा शरीर जो है वो मांसपेशियों का बना हुआ है। दरअसल जो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो तो हमको एंडोस्केलेटन या अंत कंकाल से मिलता है, जो कि हड्डियों और कार्टिलेज से मिलकर बनता है, लेकिन उसके बाद हमारे शरीर में चारों तरफ ढेर सारी मांसपेशियां हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तो पेशियां भी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जिन्हें हम मस्कुलर सेल्स या मायोफाइब्रिल कहते हैं। और ये जो पेशियां हैं ये पूरे शरीर में आच्छादित हैं। आप देखिए, चेहरे से लेकर के आपके पैरों के नीचे तक चारों तरफ पेशियां फैली हुई हैं, और इन पेशियों के कारण ही सभी प्रकार के कार्यों को आप संपादित कर पाते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है जो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना होगा कि हमारे शरीर में पेशियां एक सक्रिय अंग के रूप में पाई जाती हैं। बच्चों, नोट करिए कि टोटल नंबर ऑफ मसल्स जो हमारे मानव के शरीर में है उनकी संख्या है 639। ये हम बाद में आपसे पूछेंगे भी। जितने भी प्रकार के बॉडी मूवमेंट्स हैं, मतलब चलना, दौड़ना, भागना, बैठना, उठना और यहां तक कि पलकों के झपकाना तक, ये सारे के सारे बॉडी मूवमेंट्स पेशियों की मदद से ही संचालित होते हैं। और ना केवल शारीरिक गतियां बल्कि इसके अलावा ऐसी तमाम वाइटल एक्टिविटीज, ऐसी जैविक क्रियाएं जिनके ऊपर हमारा बस नहीं है और वो निरंतर चलती रहती हैं, जैसे कि सांस लेना, ब्रीदिंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की क्रमांकुंचन तरंगे और हृदय का निरंतर एक रिदमिक मैनर में धड़कते रहना, सिकुड़ना और फैलना, ये सारी जो जैविक क्रियाएं हैं ये पेशियों के द्वारा ही संचालित होती हैं। तो एक तरह से हमने ये बात समझी यहां पर कि पेशियां एक ऐसे इंपॉर्टेंट एक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनके द्वारा सभी प्रकार के बॉडी मूवमेंट्स और सभी प्रकार की वाइटल एक्टिविटीज को संचालित किया जाता है। बच्चों, अगर हम पेशी के कल्पना करना चाहें, पेशी की फंक्शनल एस्पेक्ट का, तो पेशियों को हम एक आवश्यक मशीन के रूप में मान सकते हैं, एक ऐसी इसेंशियल मशीन जो निरंतर ऊर्जा का उपयोग कर रही है और उस ऊर्जा को मैकेनिकल वर्क या यांत्रिक कार्य में बदल रही है। मतलब सारी पेशियों में एक महत्वपूर्ण गुण है, एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसे हम संकुचनशीलता कहते हैं या कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, जिसके द्वारा पेशियां एटीपी कंज्यूम करती हैं और उसके बदले में काम हमारे सामने होता है, यांत्रिक वर्क जिसको हम वर्क के रूप में कहते हैं। तो जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमको ऊर्जा हमारी पेशियों को निरंतर चाहिए। और जितनी भी मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती है, बच्चों, अब आप चाहे अकशेरुक प्राणियों की बात करें, हायर ग्रेड के अकशेरुक प्राणी जैसे मोलस्का फाइलम आपने पढ़ा होगा, और मोलस्का के साथ इकाइनोडर्म्स और इवन कुछ एनेलिड्स में भी, इन सब में भी मांसपेशियां पाई जाती हैं। और सबसे उन्नत प्रकार की मांसपेशियां जो है वो कशेरुक प्राणियों में पाई जाती हैं, और इन सब की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बच्चे चाहें तो इसको नोट करें, कॉपी में लिखिए, कि केवल दो ही प्रकार की ऐसी पेशियां हैं जो हमारे नेत्रों में पाई जाती हैं, एक आयरिस और दूसरी सिलियरी बॉडी। ये दोनों जो रचनाएं हैं इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है, बाकी जितनी भी पेशियां हैं वो सब मीजोडर्म से उत्पन्न होती हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पेशी है जो एक्टोडर्मल है, तो आप ये नाम याद रखिएगा, आयरिस और सिलियरी बॉडी, ठीक है।
इसके अलावा एक शब्द का उपयोग हम लोग और करते हैं, वो है टेंडॉन और लिगामेंट। तो बच्चों अपन लोग बातों बातों में अक्सर ये बात कहते हैं, और जब कभी देखिए आपका कभी मोच लग जाती है जिसको स्प्रेन कहा जाता है, और डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि स्प्रेन्स आर रादर मोर डेंजरस देन द फ्रैक्चर। जो मोच है वो हमारे हड्डी टूटने से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब हमें मोच लगती है तो हमारे टेंडॉन्स में खिंचाव आ जाता है, हमारे लिगामेंट्स टूट जाते हैं और उनको वापस जुड़ने में बहुत लंबा वक्त लगता है, वहीं हड्डी जो है वो तो 3 सप्ताह के बाद ही जुड़ने लगती है। तो बच्चों ये जो टेंडॉन्स है ना, दे आर ऑल्सो मसल्स, लिगामेंट जो है दे आर ऑल्सो मसल्स, और टेंडॉन जो है वो हमारी पेशियों को हड्डी के साथ जोड़ने में मदद पहुंचाती है, एक तरह से मॉडिफाइड मसल्स हैं, और टेंडॉन्स के अंदर कोलेजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें लिगामेंट की तो उसमें इलास्टिन मसल फाइबर ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो ये कुछ एक सामान्य जानकारी मैंने अभी आपको पेशियों के बारे में दी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे पेशियों की मूलभूत संरचना की, वास्तव में पेशियां हमारे शरीर में किस रूप में है। तो बच्चों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पेशियां जो है वो छोटे छोटे फाइबर्स की बनी हुई हैं, जिन्हें हम मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल कहते हैं, और ये सारे के सारे फाइबर्स आपस में जुड़ करके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, जिसे हम इंडोमाइशियम कहते हैं। और ये जो बंडल्स हैं इनके लिए एक शब्द और भी दिया गया है, इसे फैसिकुली भी कहा जाता है। तो जितनी भी फैसिकुलीज हैं वो चारों तरफ इंडोमाइशियम से घिरी हुई हैं, और ये सारे के सारे इंडोमाइशियम, बहुत सारे इंडोमाइशियम आपस में जुड़ करके एक और बड़ी बृहत मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, जिसको हम पेरीमाइशियम कहते हैं। और जितने भी बंडल्स हैं पेरीमाइशियम के, ये बाहर की तरफ एक और मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, जिसको हम इपीमाइशियम कहते हैं। बच्चों इसके पहले जब मैंने आपको नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर हम लोगों ने जो टर्म यूज किए थे वो था, अंदर के लिए हमने इंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और इपीन्यूरियम शब्द का उपयोग किया था। यहां पेशियों में आप देखिए कि ये रचना कितनी जटिल किंतु सुव्यवस्थित है, कि भीतर की तरफ फाइबर है, और फाइबर आप कल्पना कर सकते हैं कि छोटी छोटी लकड़ियों का समूह, अगर उसको एक रस्सी से आप बांध लें तो वो रस्सी हमारी इंडोमाइसियम है, और ऐसे छोटे छोटे कई गठों को अगर मिला करके एक बड़ी रस्सी से बांध दें तो वो रचना हमारी पेरीमाइसियम हो जाएगी, और उन सारे गठों को और एक बड़ी रस्सी से बांध दें तो इपीमाइसियम। तो इस प्रकार का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चरल प्लानिंग है, ए सॉर्ट ऑफ ए आर्किटेक्चरल प्लानिंग, वो यहाँ पेशियों में हमें दिखाई देती है। अब आप देखिए इस चित्र में कि पीछे एक हड्डी के साथ में पेशी जुड़ी हुई है और बीच में टेंडॉन लिखा हुआ है। तो ये जो टेंडॉन है ये भी मांसपेशियां हैं, लेकिन इनमें कोलेजन की मात्रा ज्यादा है। तो इस प्रकार का एक वृहत स्वरूप पेशियों का होता है, जिसमें 3 चीजें आपको याद रखना है, इंडोमाइशियम, उसके बाद पेरीमाइशियम, और सबसे बड़ी यूनिट के रूप में इपीमाइशियम। आइए अब अगले चित्र में हम लोग बात करेंगे, अगली स्लाइड में, पेशियों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ मसल्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, और जिनको क्रमशः हम रेखित, अरेखित और हृदय पेशी कहते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेखित पेशियों के बारे में। बच्चों इन पेशियों में डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, एक प्रकार के स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, इसीलिए इन पेशियों को हम स्ट्रिएटेड मसल फाइबर भी कहते हैं। ये वो पेशियां होती हैं जिनके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति काम करती है। इन पेशियों को हम जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं। तो ऐसी पेशियों को हम ऐच्छिक या वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, और चूंकि ये सारी पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं बच्चों, इसीलिए इसको हम स्केलेटल मसल या कंकाल पेशी कहते हैं। तो आपने देखा अभी कि जो पहला प्रकार था हमारा, उसमें हमने बात की रेखित, स्ट्रिएटेड, वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स की। बच्चों हमारे शरीर के कुल भार का आप देखेंगे लगभग 60% जो भार है वो पेशियों का है, और उस 60% में से भी 40% भार जो है वो वॉलेंट्री मसल्स का है, इन्हीं कंकाल पेशियों का है। ये हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, इनको हम सोमेटिक मसल्स भी कहते हैं, और सभी प्रकार की जो शारीरिक गतियां हैं वो इन्हीं पेशियों की मदद से संचालित होती है। बच्चों ये दिखने में लंबी सिलेंड्रिकल होती हैं, और बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है उसे हम सार्कोलिम्मा कहते हैं, भीतर के प्रोटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और ढेर सारे केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार की बहु केंद्र की अवस्था सिनसाइटियल कंडीशन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, बॉटनी में जब हम वाउचरेरिया पढ़ते हैं तो वहां हम सीनोसाइट बोलते हैं मल्टीन्यूक्लिएट को, जूलॉजी में जब हम यहां बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, सिनसाइटियल माने मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। केंद्रक जो है वो परिधि की तरफ है, मतलब सार्कोलिम्मा के ठीक नीचे व्यवस्थित हैं, और इनमें स्ट्रिएशंस हैं, मतलब डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं, और इसीलिए इनको स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड कहा जाता है। इनकी जो सार्कोलिम्मा है वो काफी मोटी होती है, इनके जो कॉन्ट्रेक्शन है, संकुचनशीलता है, वो स्लो होती है, बट देयर इज अ रिदम,
उसमें एक लयबद्धता होती है, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन इनमें पाया जाता है एंड दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा जो मस्तिष्क है बच्चों, ब्रेन, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, दे आर द चीफ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उनके अंतर्गत ये सभी की सभी पेशियां कंट्रोल में रहती हैं, नियंत्रण में रहती हैं। तो अभी आपने पहला प्रकार ये जाना स्ट्रिप्ड और स्केलेटल मसल्स के बारे में। अब देखिए बच्चों, जो दूसरा प्रकार है पेशियों का, जिन्हें हम प्रायः अरेखित पेशी कहते हैं, चिकनी पेशी कहते हैं या अनैच्छिक पेशी कहते हैं। मैंने शब्द लिखा है नॉन स्ट्रिएटेड, स्मूथ, अनस्ट्रिप्ड भी बोलते हैं इसको, और इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब इन पेशियों के ऊपर हमारा बस नहीं चलता है, ये पेशियां स्वतः ही कार्य करती हैं और एक प्रकार से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती हैं, ये पेशियां सेल्फ कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन इनके ऊपर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा कंट्रोल होता है। ये स्पिंडल शेप्ड होती है बच्चों, जिनके दोनों किनारे टैपरिंग होते हैं, मतलब पतले हो जाते हैं, और इनके केंद्र में केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रक होता है। इनमें किसी भी प्रकार के लाइट बैंड, डार्क बैंड हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्रॉस स्ट्रिएशंस नहीं मिलते हैं, क्रॉस ब्रिजेस नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको अरेखित कहा जाता है। इनके द्वारा होने वाला जो संकुचन है वो धीमा होता है, और जैसा भी मैंने बताया कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सेल्फ कंट्रोल में होते हैं, इनकी जो बाहर की भित्ति है सार्कोलिम्बा, ये थोड़ी पतली होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं तो नोट कर लीजिए, ये मूत्राशय में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, गर्भाशय यूटेरस में पाया जाता है, हमारी आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, और चूंकि हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनमें इस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, इवन हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्रोंकस वगैरह है वहां पर भी ये मसल्स पाई जाती हैं, और इसीलिए इन मसल्स को हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। ओके, और ये जो मसल्स हैं इनको दो प्रकारों में बांटा गया है। अगर इनके अंदर मायोफाइब्रिल सर्पिलाकार क्रम में हेलिकली अरेंज्ड हैं तो उनको हम हेलिकल स्मूथ मसल्स कहते हैं, और अगर यहां पर एक्टिन मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन बी अगर प्रेजेंट है तो उसे हम पैरामायोसिन मसल्स कहते हैं। तो इस प्रकार के दो प्रकार की जो चिकनी पेशियां हैं वो हमारे शरीर के भीतर पाई जाती हैं। तो अभी आपने अरेखित पेशियों के बारे में जान लिया, अब आइए तीसरा प्रकार देखें जो सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जैविक अंग में पाई जाती हैं, उसका निर्माण करती हैं बच्चों, उसे हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स जो हैं, जिनको हम हृदय पेशियां कहते हैं, ये हृदय पेशियां जो हैं दरअसल हृदय के भीतर निरंतर लयबद्ध तरीके से संकुचन और विमोचन करती हैं, एक प्रकार से हमारी हार्ट की जो बीटिंग है उसको ये मेंटेन करती हैं। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, नाम ही दिया हुआ है कार्डियक मसल्स, ये पहली बात तो ये रेखित होती हैं, स्ट्रिएटेड, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इनवॉलेंट्री होती है, मतलब एक प्रकार से अनैच्छिक होती है, इनके ऊपर हमारा बस नहीं चलता है। हम लोग अगर ऐसा सोचे कि भाई हमारा हृदय रुक जाए थोड़ी देर के लिए, ऐसा कोई सोचेगा तो नहीं, लेकिन ये आप रोक भी नहीं सकते हैं, ये अपनी गति से चल रहा है, और इसमें जो गतिशीलता है माने डायस्टोलिक और सिस्टोलिक मूवमेंट है वो बच्चों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से होता है, मतलब जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो विशेष प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे एड्रिनेलिन, एसिटिल कोलिन, उनका सिक्रीशन करता है, और उनके सिक्रीशन के कारण हृदय जो है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है और निरंतर हमारे शरीर में एक निश्चित दबाव के साथ ब्लड को भेजता है। तो बच्चों एक और खासियत है कि इसमें जो सार्कोलिम्बा है हृदय पेशियों में वो स्पष्ट नहीं होती है, ये इररेगुलर ब्रांच्ड मसल फाइबर होते हैं और जिनमें कभी कभी एक दो या कभी कभी एक दो से भी ज्यादा केंद्रक हमें दिखाई देते हैं, और सार्कोलिम्बा इज नॉट क्लियर। इंटरकैलेटेड डिस्क, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, इसको भी नोट करिए आप लोग कि हृदय पेशियों में एक विशेष रचना पाई जाती है जिसे हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, और बच्चों इसी डिस्क के कारण हमारी जो हृदय पेशियां हैं वो निरंतर सिकुड़ने और फैलने का काम करती रहती हैं, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर ये काम कर रही हैं, और एक विशेष प्रक्रिया भी इनमें है वो है मायोकाइनेज एक्शन, जो ऊर्जा का स्रोत है उसके लिए एक एंजाइम है मायोकाइनेज, जो दो एडीपी को जोड़ करके एक एटीपी को जनरेट कर देता है, मतलब एटीपी जनरेशन जो है वो एडीपी की सहायता से हो रहा है, और इस प्रकार मायोकाइनेज एक्शन के द्वारा हृदय की जो कोशिकाएं निरंतर ऊर्जा को प्राप्त करती रहती हैं और लयबद्ध तरीके से काम करती हैं। आइए अब ये तीनों प्रकार की पेशियों को हम चित्रों में भी देखें कि वास्तव में ये कैसी दिखाई देंगी। तो ये चित्र देखिए आपके सामने आ गया है, और इसमें आप देख रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल फाइबर है उनमें स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहे हैं, केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, वहीं जो आप देख रहे हैं नीचे स्मूथ मसल फाइबर आपको दिख रही होंगी जो हमारे आहार नाल से उसको देखो जोड़ा गया है, ये स्पिंडल शेप है, तकुआकार है, और इनके केंद्र में एक केंद्रक है,
और ऊपर की तरफ देखिए हृदय पेशियों का चित्र है जो ब्रांच्ड है, शाखान्वित है और उनमें ढेर सारे इंटरकैलेटेड डिस्क भी हमें दिखाई दे रही हैं और बीचों बीच केंद्रक भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार की जो पेशियां हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, ये तीनों पेशियों के चित्र आपने देखे। एक चित्र और आपको हम दिखाते हैं जो आपकी किताब में बना होगा, इसको भी देखिए। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें ऊपर तीनों पेशियों के चित्र दिए हुए हैं। सबसे पहला चित्र है कंकाल पेशी का, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर का, दूसरा है स्मूथ मसल फाइबर का और तीसरा है हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स का। और तीनों की तीन विशेषताएं, पहली वाली में सार्कोलिम्मा स्पष्ट मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, दूसरे में स्पिंडल शेप्ड बॉडी सिंगल न्यूक्लियस और तीसरे में आप देख रहे हैं ब्रांज कंडीशन, सार्कोलिम्मा वेल इट इज नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड और साथ ही साथ एक या दो केंद्रक और इंटरकैलेटेड डिस्क की प्रेजेंस। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें बच्चों आप याद रखिए। कभी कभी परीक्षा में सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि पेशियां कितने प्रकार की होती हैं, उनका एक तालिका बनाकर आप अंतर स्पष्ट करें। तो आपको फिर ये सारी बातें लिखनी होंगी जो मैंने अभी आपको बतलाई। और बच्चों नीचे मैंने एक थोड़ा सा बड़ा सा चित्र बना दिया है आपके लिए और वो चित्र जो है हृदय पेशी का है, उसमें और अच्छे स्पष्ट आपको क्रॉस स्ट्रिएशंस और इंटरकैलेटेड डिस्क दिखाई दे रही है। तो ये रचनाएं आप देख रहे हैं। पेशियों को हम मायोसाइट्स भी कहते हैं, तो दे आर द मायोफाइब्रिल्स और मायोसाइट्स। ओके, तो ये अभी आपने जाना पेशियों के प्रकार के बारे में। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे पेशियों की परा संरचना के बारे में, उनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो यहां मैंने एक स्केच करके एक चित्र आपके लिए बनाया है। आप इस चित्र को देखें कि अगर कल्पना करिए कि हम अपने शरीर के किसी भाग से, हाथों से या पैरों से पेशियों का एक टुकड़ा बाहर निकाल लें और ये कल्पना करिए जो पहला चित्र मैंने बनाया है इसमें ढेर सारे मसल फाइबर्स के बंडल्स हैं। इन बंडल्स के बाहर इंडोमाइशियम है और ये जो बंडल्स हैं इनको हम फैसिकुली कहते हैं। और एक पेशीय ऊतक में अगर हम देखें, एक पेशी संस्थान में अगर हम देखें, तो ये ढेर सारे बंडल संयोजी ऊतक से जुड़ करके पेशीय संरचना का निर्माण करते हैं। इन फैसिकुली के भीतर जो बहुत सारे फाइबर्स हैं इनको हम मायोफाइबर कहते हैं। अब इसमें से अगर एक मायोफाइबर को हम बाहर निकालें और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखें तो एक मायोफाइबर का निर्माण ढेर सारे मायोफाइब्रिल से होता है। और ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं, अगर इनमें से किसी एक मायोफाइब्रिल को भी हम बाहर निकाल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो आप पाएंगे कि इसके भीतर दो प्रकार के मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। एक मोटे वाले होते हैं जो मायोसिन प्रोटीन के बनते हैं, उनको हम मायोसिन मायोफिलामेंट कहते हैं, और जो पतले वाले होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, उन्हें हम एक्टिन मायोफिलामेंट कहते हैं। अब अगर ओवरऑल इसको हम एक पैनोरामिक विजन को देखते हुए इसको समराइज करें तो नीचे से ऊपर अगर आप बात करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि पेशियों में दो प्रकार के फिलामेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, और दोनों फिलामेंट मिलकर के मायोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। ढेर सारे मायोफाइब्रिल मिलकर के एक फाइबर बनाते हैं जिसे हम मायोफाइबर कहते हैं, और ढेर सारे मायोफाइबर मिलकर के एक फैसिकुली बनाते हैं, और ढेर सारी फैसिकुली मिलकर के क्या बनाती है, इंडोमायोसियम बनाती हैं, और ढेर सारे इंडोमायोसियम से घिरी हुई फैसिकुली फाइनली पेरीमायोसियम से कवर्ड रहती हैं, और विभिन्न प्रकार के पेरीमायोसियम आपस में चारों ओर इपीमायोसियम से घिर करके एक पेशीय संरचना का निर्माण करती हैं। तो ये जो आपने अभी एक पैटर्न देखा, ये जो आपने स्टेप बाय स्टेप देखा, इसको आप याद करिए और इस प्रकार से चित्र भी आप लोग अपनी कॉपी में स्केच कर सकते हैं। ये एक डायग्रामेटिक प्लान है कि इस प्रकार से जो फिलामेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट होता है। अब चलिए हम लोग ये देखें कि वास्तव में ये जो फिलामेंट हैं वो किस प्रकार से डार्क बैंड और लाइट बैंड का निर्माण करते हैं। क्योंकि यहां पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, वो हम स्केलेटल मसल फाइबर की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, ये जो मैंने अभी आपको प्लान बताया वो आपके सामने है, फेसिकुली, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट। और मायोफिलामेंट दो प्रकार के हैं, सब बच्चे याद रखें, मोटे वाले मायोसिन और पतले वाले एक्टिन फिलामेंट। और ये जो मायोफाइब्रिल वाला जो कंसेप्ट है, दिस वॉज गिवन बाय द हग्सले इन द ईयर 1957। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड को देखिए, इस चित्र को भी आप अपनी कॉपी में बनाइए। अब इस चित्र में बच्चों आप देखेंगे कि बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है इसे हम सार्कोलिम्मा कहते हैं और अंदर जो प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें आप लाल रंग के मोटे वाले जो बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे मायोसिन प्रोटीन के बने हुए हैं, और जो नीले रंग से बने हुए हैं पतले वो है एक्टिन फिलामेंट। तो डार्क बैंड जो है वहां पर मायोसिन मायोफिलामेंट पाए जाते हैं और इसे हम ए बैंड कहते हैं या एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। ठीक है,
और जो एक्टिन फिलामेंट है ये लाइट बैंड में पाए जाते हैं, इसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लू कलर से आपके लिए बनाया हुआ है, ये एक्टिन फिलामेंट है। अब चूंकि ये रेखित पेशी है, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर है, तो हम यहां देखते हैं कि एक अल्टरनेट फैशन में ए बैंड आई बैंड ए बैंड आई बैंड इस तरह से क्रमशः डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट ये सारे बैंड एक के बाद एक अरेंज होते हैं। अब जो खास बात है जो आपको याद रखना है वो ये कि जो लाइट बैंड है वहां पर एक रेखा दिखाई देती है जिसको जेड लाइन कहते हैं। तो अगर हमें पेशी संकुचन की कार्यकी को समझाना है, उसकी बायोकेमिस्ट्री को समझना है, तो कम से कम पेशी का इतना बड़ा टुकड़ा हमारे पास होना चाहिए जिसमें दो जेड लाइन हो। तो बच्चों कॉपी में नोट करिए कि दो जेड लाइन के बीच के भाग को हम सार्कोमियर कहते हैं। दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आप उत्तर देंगे सार्कोमियर। और सार्कोमियर किसे कहते हैं? दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को हम सार्कोमिया कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बैंड डार्क बैंड के अंदर भी छिपा रहता है जहां से प्रकाश जा सकता है, उसे हम एच बैंड कहते हैं। अब बच्चों देखिए जो सारा स्वरूप आप देख रहे हैं ये जर्मन के दो साइंटिस्ट थे, ए एफ हक्सले और एच जी हक्सले। और ये जो हक्सले ब्रदर थे ये बायोफिजिस्ट थे, जैव भौतिक वैज्ञानिक, और इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ही सारी फिजियोलॉजी को डिफाइन किया था। तो यहां पर एच का मतलब होता है हेलर, जर्मनी में हेलर का मतलब होता है लाइट। तो एक छोटा सा लाइट बैंड जो है वो डार्क बैंड के अंदर है, तो इसलिए इसको हम एच बैंड कहते हैं। आपके मन में एक जिज्ञासा उठ रही होगी कि सर इसको जेड लाइन क्यों कहते हैं? तो बच्चों लाइन के लिए जर्मन में एक वर्ड है जेड, जेड का मतलब इसका फुल फॉर्म यहां मैंने लिखा है ज्वेंस च्वेंस चिप। अब इतनी बड़ी स्पेलिंग याद रखने के बजाय बेटर टू रिमेंबर जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को हम सार्कोमियर कहते हैं, इसको भी आप याद रखिए। तो ये एक आपको हमने ओवरऑल पिक्चर अभी दिखाया कि किस प्रकार के फिलामेंट्स का अरेंजमेंट होता है। अब इस फिलामेंट अरेंजमेंट के बाद थोड़ा सा प्रोटीन की अन्य इकाइयों के बारे में अभी मैं आपको आगे चर्चा करूंगा बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन उनका स्वरूप आप यहां पर देख लें कि सार्कोलिम्मा के भीतर एक रेटिकुलम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि ये मसल सेल के भीतर है इसलिए इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इस रेटिकुलम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ये कैल्शियम आयंस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। लाइट बैंड में दो अन्य प्रकार की प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जिसको एक को हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं और दूसरी ट्रोपोनिन कहलाती है। ट्रोपोनिन की तीन इकाइयां होती हैं जिनको क्रमशः हम टीपीसी टीपीटी टीपीआई कहते हैं। बच्चों ये याद रखिए, टीपीसी मींस ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट, टीपीटी ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सब यूनिट, और टीपीआई माने अवरोधक इकाई इनहिबिटरी सब यूनिट। तो ये तीन प्रकार की इकाइयां जो मैंने डायग्रामेटिकली इस चित्र में आपके सामने स्केच की हैं, आप इसी तरह से चित्र बना सकते हैं। किताबों में जो चित्र हैं थोड़े से जटिल हैं और समझने में मुश्किल होती होगी बच्चों को, इसलिए सरलता की दृष्टि से मैंने इस प्रकार का स्केच एक तैयार किया आपके लिए। तो आप देखें कि लाइट बैंड जो आई बैंड है वहां पर एक्टिन फिलामेंट है ब्लू कलर का, उसके नीचे डार्क ब्लू कलर का ट्रोपोमायोसिन है, और उसके बाद तीन इकाइयां लगी हुई हैं टीपीसी टीपीटी टीपीआई। ये सारे प्रकार के जो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स हैं दे कैन बी डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। इनमें चूंकि कॉन्ट्रेक्शन का नेचर है, संकुचनशीलता है, इसलिए इनको हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहेंगे। ओके आइए अब इस सार्कोमियर को जो अभी मैंने आपको बातें की वो यहां पर भी देखिए लिखा हुआ है, और जो बातें समझाई हैं उसको आप नोट कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें कि पेशी संकुचन के लिए हमको दो प्रकार के आयंस की आवश्यकता होती है, एक कैल्शियम और दूसरा मैग्नीशियम। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो पेशियां काम करना बंद कर देंगी। अगर ये कॉन्जेनाइटल है, बचपन से ही इस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है तो दैट इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओल्ड एज में अक्सर जब हमारी पेशियां जो है वो उतना काम नहीं कर पाती ढंग से, उसकी वजह भी ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। कैल्शियम की कमी एक बहुत बड़ा कारण होती है जो ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ हमारी मसल कॉन्ट्रेक्शन को भी डिस्टर्ब करती है। ओके अब बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर रासायनिक संगठन की। तो केमिकल कंपोजिशन में आप नोट करें कि इसमें 75% लिक्विड पानी होता है और 25% इसमें सॉलिड पदार्थ होते हैं। और सॉलिड में भी सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया ये लगभग 20% होती हैं। इसमें पहली थी मायोसिन प्रोटीन जिसका अणुभार बहुत अधिक होता है और ये 6 इकाइयों से मिलकर बनती है जिनमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 हैवी और 2 लाइट, जिनको क्रमशः हम हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। एक्टिन जो प्रोटीन है ये वाटर सोल्युबल है एंड ये 376 एमिनो एसिड रेसिड्यू से मिलकर बनती है। अगर इसमें आप इनका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का देखें, इफ इट इज ए ग्लोबुलर
देन यू कैन से इट इज ए जी एक्टिन, और अगर ये फाइबरस है तो इसको हम एफ एक्टिन कहते हैं। याद रखिए बच्चों की मायोसिन प्रोटीन डार्क बैंड में पाई जाती है और एक्टिन प्रोटीन लाइट बैंड या आई बैंड में पाई जाती है। इनके कुछ चित्र भी आपके सामने हैं। ऊपर देखिए जो चित्र देख रहे हैं आप, ये मायोसिन प्रोटीन का है जिसमें हेड और टेल कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर HMM और LLM जिसको हम हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं, दैट इज 9 नैनोमीटर एंड 134 नैनोमीटर। एक ट्रिप्सिन पपेन दो एंजाइम होते हैं बच्चों, उससे हमने क्लीव किया हुआ है हेड और टेल को। तो ऊपर के चित्र में आप देखिए, नीचे हमने एक्टिन के मॉलिक्यूल्स का चित्र दिया है, दैट इज ए जी एक्टिन और एफ एक्टिन। तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर इन प्रोटीन्स का होता है क्रमशः डार्क और लाइट बैंड में। उसके बाद एक जो प्रोटीन है दैट इज ए ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, और इट इज ए बाइंडिंग प्रोटीन जिसका मॉलिकुलर वेट 66,000 और 41 नैनोमीटर लॉन्ग इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये लाइट बैंड में पाई जाती है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सेंसिटाइजिंग द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स टू कैल्शियम, कैल्शियम के लिए एक्टिन प्रोटीन को प्रेरित करना, ये एक महत्वपूर्ण काम है इसका। और ट्रोपोमायोसिन भी बच्चों दो प्रकार का होता है, ए और बी, जिसमें से ए वाला जो है इसको हम पैरामायोसिन भी कहते हैं, और ये इन्वर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है। तो इट इज ए बाइंडिंग प्रोटीन जो एक्टिन को ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करने का काम करती है। अब जो हमारी चौथी प्रोटीन थी वो थी ट्रोपोनिन, जो सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल के रूप में है, और इसके अलावा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 70 को बता चुका हूं। टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई, एक बार फिर से नोट करें, याद रखें, टीपीसी इट इज ए कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट, टीपीटी इट इज ए ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सब यूनिट, और टीपीआई इट इज ए इनहिबिटरी सब यूनिट। और ये तीनों की तीनों इकाइयां लाइट बैंड या आई बैंड में पाई जाती हैं। इनका कुछ अरेंजमेंट भी इस प्रकार का है, तो इसमें आप देखिए कि किस प्रकार से ऊपर वाले चित्र में आप देखिए एक बैगनी कलर का जो आपको छोटी इकाई दिख रही है, इट इज ए ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिन को जोड़ रही है ना, तीनों इकाइयों के साथ देखिए किस प्रकार से टीसी और टी तीनों इकाइयां जो है। चलिए हम और सरल चित्र में इस बायोकेमिस्ट्री को समझें, और उसके लिए ये कुछ बातें और आप लास्ट में नोट कर रहे हैं कि केवल कॉन्ट्रेक्टाइल ही प्रोटीन नहीं पाई जाती है, बल्कि मसल्स को दृढ़ता देने के लिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होती हैं, जिसको हम डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बच्चों, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू मसल फाइबर। तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, तो जब कभी इनमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो मसल डिस्ट्रॉफी हो सकती है। लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, और एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि दो प्रकार के हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स आमतौर पर पेशियों में पाए जाते हैं, पहला है फॉस्फोक्रिएटिन और दूसरा है फॉस्फोआर्जिनिन। याद रखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कशेरुक प्राणियों में फॉस्फोक्रिएटिनिन होता है, और जो अकशेरुक प्राणी होते हैं जैसे मोलस्क और आपने अभी मैंने चर्चा की आपसे एनलिड्स की, उनमें फॉस्फोआर्जिनिन हायर एनर्जी रिच कंपाउंड पाया जाता है। अब आप देखिए कि जितनी भी पेशियां होती हैं उनका कलर कैसा होता है, कुछ ज्यादा डार्क गुलाबी से रंग की दिखाई देती हैं पेशियां, थोड़ी रेडिश होती हैं। उसकी वजह होती है इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और उन पिगमेंट्स का नाम है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन क्या है बच्चों, एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, इट कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट करते हैं, और पेशियां हमारी एक्टिव ऑर्गन्स हैं और इनको निरंतर ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए मायोग्लोबिन यहां पाया जाता है जो 6 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। साइटोक्रोम ए और बी भी पाए जाते हैं, और कुछ एंजाइम्स और कोएंजाइम्स भी होते हैं। अब ये जो बायोकेमिस्ट्री मुझे आपको बतानी है इसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ये हग्जले ब्रदर्स जो कि जर्मन बायोफिजिस्ट है, इन्होंने 1958 में डिफाइन की। द थिन फिलामेंट्स ऑफ एक्टिन मूविंग इन टू द ए बैंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन एंड मूविंग फॉर्दर आउट ऑफ देम ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। कहने का आशय यह हुआ कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म बहुत सरल है। इसमें आप ऐसा समझिए कि जब आई बैंड में स्थित एक्टिन फिलामेंट डार्क बैंड में स्थित मायोसिन फिलामेंट के बीच में गमन कर जाते हैं, फिसल जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं, तो टोटल लेंथ जो है हमारी पेशी की उसमें कमी आ जाती है, और इसको ही हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, और इसी को मसल कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं। ओके, लेकिन इस मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए जरूरत होती है एक स्टिमुलाई की, उद्दीपन की, और ये मिलता है हमको एक नर्व से जिसको हम मोटर नर्व कहते हैं, प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि पेशियों के पास में नर्व्स भी होंगी और वो एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाएंगी, एंड दे क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ ए एक्शन पोटेंशियल, और इस एक्शन पोटेंशियल जब तक डेवलप नहीं होगा पेशी में संकुचन नहीं होगा।
और कुछ स्थानों पर तो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी निकलते हैं, जैसे आप हृदय पेशियों में देखेंगे कि वहां एड्रिनेलिन, एसिटिलकोलीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं जो क्या करते हैं, मसल मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देते हैं, एक तरह से सोडियम इंटेक के लिए, सोडियम इनफ्लक्स के लिए उसकी परमेबिलिटी को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और इस तरह से क्या हो जाती है, पेशियां संकुचन के लिए प्रेरित हो जाती है और संकुचन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस चित्र को आप लोग बना लें अपनी कॉपी में और इसको समझ लें तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ये जो ए और बी दो चित्र हमने आपके सामने बनाए हैं, तो पहली सावधानी तो आपको ये रखना है कि जब हम नॉर्मल मसल्स फाइबर की बात करते हैं तो थोड़ा लंबा बनाइए, और जब हम सिकुड़ने की बात करते हैं तो थोड़ा छोटा बनाइए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि दोनों चित्र बराबर बना देते हैं या बी वाला बड़ा बना देते हैं, तो भाई जब हम कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं तो कोई चीज सिकुड़ना चाहिए ना, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो देखिए चित्र ए में जो पूरा कॉम्प्लेक्स है दैट इज नोन एज एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स, ये बदल जाएगा एक्टोमायोसिन एडीपी कॉम्प्लेक्स में। एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स में आप देखें सबसे पहले एक मोटर नर्व संवेदना को, एक स्टिमुलाई को, एक उद्दीपन को लेकर के मसल के पास पहुंचती है। सामान्य अवस्था में बच्चों सार्कोलिम्बा में मायोसिन मायोफिलामेंट और एक्टिन मायोफिलामेंट सब जगह एक जैसा आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए सारी फिलामेंट्स एक दूसरे से दूर, इनमें खिंचाव रहता है। ठीक है, जैसे ही मोटर नर्व इंपल्स लेके आती है और लगभग 0.4 मिली सेकेंड का मतलब यहां एक सेकेंड का हजारवा हिस्सा, अब उसको 0.4 कर दीजिए, उतने कम समय में जो सार्कोलिम्बा है वो डीपोलराइज हो जाता है, और इसके डीपोलराइज होने से बाहर से सोडियम भीतर की तरफ आने लगता है और एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इस एक्शन पोटेंशियल के कारण जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से कैल्शियम आयन्स का लिबरेशन शुरू हो जाता है, और ये ढेर सारे कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं और निकल करके लाइट बैंड मतलब आई बैंड में पहुंच जाते हैं, और वहां पर जो टीपीसी इकाई है उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ही टीपीसी के साथ कैल्शियम आयन जुड़ते हैं ये सारी सूचनाएं ट्रोपोमायोसिन के पास जाती है, और ट्रोपोमायोसिन से एक्टिन मायोफिलामेंट तक ये सूचना पहुंचती है, और एक्टिन मायोफिलामेंट का आवेश धन से ऋण हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। अब चूंकि मायोसिन में तो कोई चेंज हुआ नहीं, वहां पॉजिटिव चार्ज है, और एक्टिन में कैसा चार्ज बदल गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, और इस वजह से जो पतले वाले जो एक्टिन फिलामेंट हैं वो मोटे वाले मायोसिन फिलामेंट के बीच के खाली स्थान में स्लाइड कर जाते हैं। चित्र बी को देखिए कि वो स्लाइड हो गया, ऊपर देखिए पॉजिटिव चार्ज मायोसिन का है और नेगेटिव चार्ज एक्टिन का है, बस इतनी सी बात है देखिए, और ये मसल्स क्या हो गई, सिकुड़ गई। अब इस पूरी प्रक्रिया में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है और ऊर्जा हमको मिल जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिए कि पेशियों को अनवरत निरंतर लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा के लिए इनके पास ग्लाइकोजन एक रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पेशियों के अंदर रहता है, जो जिसके बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से एटीपी जनरेट होते रहते हैं और ऊर्जा मिलती रहती है। नीचे के चित्र में आप देख रहे हैं उसी बात को यहाँ पे दिखाया गया है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिबरेशन ऑफ कैल्शियम, देन कैल्शियम का टीपीसी से जुड़ना, टीपीसी का एक्टिन को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना, और धन और ऋण के बीच आकर्षण होना, और उसी के साथ में पतले फिलामेंट का मोटे फिलामेंट के बीच खाली स्थान में गमन कर जाना पेशी संकुचन को दर्शाता है। अब बच्चों कुछ समय के बाद ये जो सिकुड़ी हुई पेशी है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब अगर क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसके हाथों की उंगलियां अगर बॉल को पकड़ रही है तो फिर नॉर्मल भी तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो सिकुड़ा ही रहेगा हाथ। तो उसके लिए टीपीआई यूनिट को याद रखिए, जो हमारी ट्रोपोनिन इनहिबिटरी यूनिट है, ये अब एक्टिव हो जाती है, फंक्शनल हो जाती है, और इसके क्रियाशील होने पर जो एनर्जी की सप्लाई है मतलब कन्वर्शन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी, ये ब्लॉक हो जाता है, ये ब्लॉकर के रूप में काम करती है, और इस तरह से जैसे ही ऊर्जा की सप्लाई बंद होती है वापस कैल्शियम आयन टीपीसी से निकलकर एसईआर सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चले जाते हैं, फिर से चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और दोनों के बीच रिपल्सन होता है और वापस ए वाली स्थिति निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार से निरंतर पेशियां सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये भी देखिए दो प्रकार का होता है, कि अगर हम एक आइसोटोनिक है और दूसरा आइसोमेट्रिक है, तो आइसोटोनिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है कि अगर हम किसी चीज को उठाएं, जैसे आप कल्पना करिए कि आपने 5 किलो का वजन हाथ से उठाया, तो आप क्या देखेंगे कि आपने एक टेंशन दे दिया पेशी को, और पेशी की जो टोटल लेंथ है वो लेंथ क्या हो गई, सिकुड़ गई। मतलब लेंथ जो है
टेंशन तो आपने उतना ही लिया, लेकिन पेशियों में लगातार क्या हो गया, धीरे धीरे उसकी लेंथ कम होती चली गई, और इस प्रकार से आपने जो लोड को उठाया था उसको उठा करके आपने सामान को कहीं रख दिया, मतलब कुछ काम भी किया आपने, मैकेनिकल वर्क भी हो गया। एक फार्मूला मैंने यहां लिखा है जिससे इसको निकाल सकते हैं वेलोसिटी को। अब दूसरे प्रकार का जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है जिसको हम आइसोमेट्रिक कहते हैं, शब्द से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार का जब हम पेशी को टेंशन देते हैं उस समय पेशी की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, मतलब उसका जो लेंथ है, जो मेजरमेंट है लेंथ का, वो बिल्कुल वही रहता है, लेकिन फिर भी टेंशन पेशी लेती है, और ऐसी स्थिति में जो मैकेनिकल वर्क होता है वो जीरो रहता है। माने मैकेनिकल एफिशिएंसी अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, इट इज जीरो ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन। इस बात को और ज्यादा सरल रूप में समझने के लिए आप अगला चित्र देखिए कि अगर हम कोई वस्तु को उठा रहे हैं और उठा करके टेबल के ऊपर रख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क भी हो रहा है, साथ में आप क्या देख रहे हैं, पेशियां सिकुड़ भी रही है, तो इट इज ए आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन। लेकिन अगर आप एक चट्टान के नीचे खड़े हैं, अब वो चट्टान तो आपसे उठेगी नहीं, वो देखिए जैसा चित्र में दिख रहा है, लेकिन इसके बाद आप पेशियों को टेंशन जरूर दे रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि पेशियों की जो लंबाई है वो तो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार के कॉन्ट्रेक्शन को हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए इसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज को भी आप देख लीजिए। तो एनर्जी रिसोर्स के लिए आप इस स्लाइड को देखिए, चूंकि समय की कमी है और पिछला लेक्चर भी लंबा चला गया था तो मुझको इसलिए थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा लेना पड़ रहा है। तो यहां पर बच्चों ये जो आप सामने स्लाइड देख रहे हैं इसमें आप ओवरऑल बात को समझिए, ये पूरा जो है ना सारी बातों को हमने इसमें एक साथ कंसाइज कर दिया है। तो पहला तो आप देखिए कि जो मायोसिन है वो मायोसिन एटीपी में बदल रहा है, फिर एक्टोमायोसिन बन रहा है, एक्टोमायोसिन जो है फिर एक्टिनोमायोसिन, ये मसल फाइब्रिल में सारी क्रिया हो रही है और यहां पर एटीपी की आवश्यकता पड़ रही है। बच्चों ये जो एटीपी आप देख रहे हैं, ये एटीपी हमारे पेशियों को निरंतर कहां से मिलता है, तो एक तो मिलता है ये ग्लाइकोजन से, दूसरा हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिनको हम पावर हाउस कहते हैं, वहां पर जो भी हमारा जो एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, इन सबका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा निरंतर चलता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जहां पर क्रेब्स साइकिल चल रहा है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, तो उस तरीके से एटीपी जनरेट होते हैं और ये एटीपी पेशियों को मिलते हैं। इसके अलावा चूंकि पेशियों को ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो वहां पर एक और चीज पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोक्रिएटिन, और ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है ये एडीपी के साथ जुड़कर उसको एटीपी में बदल देता है, और इस प्रकार से क्रिएटिन जो है इट इज ए हाई एनर्जी रिच कंपाउंड, ये पेशियों में पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन का लैक्टिक एसिड में कन्वर्शन ये भी एटीपी को उत्पन्न करता है और एक प्रकार का एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस यहां पर चलती है, इनसे भी हमको ऊर्जा मिलती है। तो ये कुछ स्रोत मैंने आपको दिखाए जिसके द्वारा ऊर्जा हमें निरंतर प्राप्त होती रहती है और पेशियां निरंतर अपना कार्य करती हैं। अब अंत में ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जिनमें पहला है मसल ट्विच। आप अपनी किताब में पढ़ेंगे ट्विच, ट्विच का मतलब क्या होता है कि एक बार पेशी का पहले तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो, उसके बाद पेशी में कॉन्ट्रेक्शन हो और फिर रिलैक्सेशन हो, अभी अपन लोग ग्राफ में देखेंगे। तो ये जो तीन पार्ट होते हैं जिसमें लेटेंट पीरियड होता है एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना, जो लगभग 0.4 मिलीसेकंड का होता है, फिर 20 मिलीसेकंड का होता है कॉन्ट्रेक्शन फेज और 30 मिलीसेकंड का होता है रिलैक्सेशन फेज, अभी अपन लोग इसका ग्राफ देखेंगे। फिर तो चलिए ग्राफ को भी देखते हैं, देख ही लेते हैं ग्राफ को। देखिए पहला वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें शुरू में देखिए स्टिमुलाई मिली और मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं कि 0.4 मिलीसेकंड का लेटेंट पीरियड, उसके बाद आगे के जो 20 मिलीसेकंड है इसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ, पीक पे जाके फिर डाउनवर्ड ट्रेंड आया और 30 सेकंड्स का ये रिलैक्सेशन। तो ऐसा एक कंप्लीट अगर साइकिल चले तो इसको हम वन ट्विच कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक के बाद एक उद्दीपन मिलते हैं और एक बार साइकिल चला, फिर दूसरी स्टिमुलाई का दूसरा साइकिल चला, तो ग्राफ देखिए इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक इंपल्स के बाद दूसरा इंपल्स भी एकदम से उसके साथ उसको फॉलो कर लेता है और ऐसी स्थिति में रिलैक्सेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है और ग्राफ में हमको एक और कर्व मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एम कर्व। और अगर ये जरूरत से ज्यादा एम कर्व बन रहे हैं तो उसको समेशन कहते हैं। तो ये भी एक अभी आपने बात देखी, तो सुपर पोजिशन और एम कर्व बनते हैं, समेशन बनते हैं, और अगर बहुत ज्यादा इंपल्सेस एक के बाद एक मिलने लगे तो पेशियां जो होती हैं वो अपना ट्विच पूरा नहीं कर पाती हैं, पेशियां काम करना बंद करने लगती हैं, इसे हम टिटेनस कहते हैं। आपको पता होगा एक कॉलेस्ट्रीडियम टिटेनाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मिट्टी में, जंग लगी निडल्स में,
कभी भी अगर आपका हाथ पाथ कट जाए तो भैया इंजेक्शन लगवा लेना टिटनस ट्रॉक्साइड का, नहीं तो ये रोग हो सकता है टिटेनस, जो हमारे जबड़े की जो सबसे मोस्ट पावरफुल मसल्स हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और एक धनुष टंकार रोग पैदा हो जाता है। फिर मसल्स फैटिक भी होती है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं पेशियों को और उसमें क्या हो रहा है कि एटीपी की सप्लाई कम हो रही है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ढेर सारा लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है। आप कभी देखिए ना, अचानक आपको कहा जाए दौड़ लगा दीजिए और आप एथलीट नहीं है लेकिन आपने अपने कॉलेज के उसमें देखा कि भाई 100 मीटर की रेस हो रही है और कोई दौड़ने वाला ही नहीं है, तो आप लोगों ने सोचा कि भाई हम दौड़ लगा लें तो एक नंबर तो लग ही जाएगा हमारा, दो लोग दौड़ लें तो दो मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में कभी कभी हमारी पेशियां मसल्स फैटिग हो जाती हैं और वापस कोराई साइकिल से फिर लैक्टिक एसिड जो है लिवर में जाके फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा मिलती है। एक आप देखिए जब कभी डेथ हो जाती है उसके बाद हमारे बॉडी में मसल्स जो हैं वो धीरे 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 आप देखेंगे मसल्स जो हैं वो कड़ी पड़ने लगती हैं और वजन बढ़ने लगता है बॉडी का, इसको रिगर मॉर्टिस कहते हैं। अभी वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे कि ऐसा क्यों होता है कि ग्लाइकोजन और जो बाकी चीजें हैं वो कहां से एकाएक कैसे डिप्लीट हो जाती है मृत्यु के साथ ही। डायबिटिक पेशेंट्स में जहां पर कि अब अगर हम देखें कि एनर्जी सप्लाई कम है, ऑक्सीजन की कमी से भी पेशियां काम कम करती हैं। पैरालिसिस भी एक ऐसा रोग है जिसमें कि मोटर नर्व अगर इम्पल्स ना दे, एक्शन पोटेंशियल डेवलप ना हो तो पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। और ठंड के समय में हम लोग थर्मो रेगुलेशन के लिए शिवरिंग करते हैं, पेशियां हिलने लगती हैं। और एक वायरस का रोग भी है पोलियोमाइलिटिस, उसकी वजह से पेशियों में भी नुकसान पहुंचता है। अब थिंग्स टू रिमेम्बर की बातें खूब सारी हो गई हैं, अब लास्ट में केवल 2 स्लाइड आपके क्वेश्चन आंसर का मैं आपसे करूंगा ताकि मुझे भी संतोष हो कि यहां से आपको जो हम व्याख्यान दे रहे हैं हमारे सारे बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं और उनको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। इट इज अ सॉर्ट ऑफ ए फीडबैक। तो बच्चों आपसे सवाल मैं कुछ पूछ रहा हूं। पहला सवाल है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सी पेशी ना थकने वाली होती है, मतलब जीवन भर चलती रहती है। बताइए 4 विकल्प हैं आपके सामने, अरेखित रेखित रेखित व अरेखित और हृदय पेशी। तो किसको उत्तर पता है वो अपना हाथ ऊपर करे, माइक हाथ में ले ले और थोड़ा सा कैमरे के सामने आ जाए। चलिए आंसर दीजिए। हेलो। हाँ हेलो, बोलो बेटा अपना कॉलेज का नाम। हाँ बोलिए, नेपानगर कॉलेज, नेपानगर से बोलिए। सर हृदय पेशी। बिल्कुल सही उत्तर दिया नेपानगर ने। अब दूसरे कॉलेज के बच्चे दूसरे सवाल का उत्तर देंगे। रेखित पेशियां इन 4 में से किसमें पाई जाती हैं? आंत की दीवार की टांगों में। हाँ ये कहाँ से आवाज आई है, बड़ी तेज आवाज थी। कौन सा कॉलेज है ये? कॉकरोच की टांगों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। आप कौन से कॉलेज से बोल रहे हैं बेटे? खंडवा एसएन कॉलेज। वेरी गुड, बहुत सही उत्तर दिया। तीसरा है हृदय पेशी होती है। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? ये 5 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? हाँ बोलिए। हाँ कौन से कॉलेज से बोल रहे हो बेटा आप? कौन से कॉलेज से बोल रहे हैं? नेपानगर से बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। स्वतः उत्पादित, प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रेखित व एवं अनैच्छिक, सही उत्तर दिया आपने। चलिए अगला सवाल है, डार्क ए और हल्की आई, ये जो पट्टियां हैं ये किस प्रकार की पेशियों में पाई जाती है, मतलब डार्क बैंड और आई बैंड किस प्रकार की पेशियों में पाए जाते हैं? पीजी कॉलेज खंडवा मेरे सामने है, उत्तर दे सकते हैं क्या? इन 4 में से किस प्रकार की पेशियों में ए और आई बैंड पाए जाते हैं? सर द अरेखित तथा रेखित पेशियों में। मेरे ख्याल से आप फिर से सोच अरेखित पेशियों में। अरेखित पेशियों में। ओहो हो, अरेखित पेशियों में तो बेटा बैंड पाए ही नहीं जाते हैं इसलिए तो अरेखित होती हैं। अगर इस तरह के बैंड पाए जाएंगे तभी तो उनको रेखित पेशी कहेंगे। सर हिंदी की। सर अनैच्छिक पेशियों में। सर अनैच्छिक। हाँ देखिए ये सवाल थोड़ा सा हमने जानबूझ के ऐसा रखा था कि हमारे बच्चे थोड़ा सा ट्विस्ट भी होना चाहिए, है ना भाई, क्वेश्चन में। ये बच्चों ऐच्छिक पेशियों में, चूंकि जो रेखित पेशियां है ना वो हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था स्ट्रेप्ड स्ट्रिएटेड वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स, 4 नाम है इसके, कंकाल पेशी, रेखित पेशी, है ना, ऐच्छिक पेशी। अब 5वां है कि पेशी संकुचन के लिए इन 4 में से आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है? कौन उत्तर देगा? हेलो। हाँ बोलिए। एटीपी। एटीपी, बहुत सही उत्तर दिया धर्म टेकड़ी छिंदवाड़ा से बच्चे ने, सही बताया। अब बताइए कि अरेखित पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? अभी बात चल रही थी ना अरेखित चिकनी पेशी जिसको बोलते हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल्स, ये 4 में से कहाँ पाई जाती हैं बताओ बच्चों? सर द आहार नाल में पाई जाती हैं। नहीं अब अच्छे सोच के बताओ भाई, द जिसने बोला वो कौन सा कॉलेज? सब में पाई जाती, सब में पाई जाती है, सब में पाई जाती है। सब में मिल गई तुमको, है ना भाई। अच्छा ये दा उत्तर बैतूल, मुलताई बैतूल वाले ने शायद उत्तर दिया है ना, और सही उत्तर दिया इन्होंने।
और अंतिम तीन सवाल, इसी के साथ बात खत्म। रेखित पेशियां किस कारण संकुचित होती हैं? मायोसिन छड़ों के पास परस्पर पास-पास आने से, या मायोसिन छड़ों के एक्टिन छड़ों पर खिसकने से, या एक्टिन छड़ों के मायोसिन छड़ों पर खिसकने से, या एक्टिन छड़ों के परस्पर पास है। उत्तर सही क्या होगा? छड़ों के मायोसिन छड़ों पर खिसकने से। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सही उत्तर है। अब ये बताइए, किसके चारों ओर की जो मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलिम्मा कहते हैं? ये देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं तंत्रिका, हृदय पेशी और हृदय पेशी। अब थोड़ा सा सवाल में है, मतलब अब आपको सही उत्तर आना चाहिए। पेशी तंतु। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, पेशी तंतु भी। अब ये बताओ बच्चों, पेशी संकुचन के समय किसकी लंबाई कम हो जाती है? एच जोन की, कि सार्कोमियर की, कि आई बैंड की, कि सभी की? उपरोक्त सभी। क्या बात है भैया, कहाँ से उत्तर दे रहे हैं, किस कॉलेज से हैं? नेपानगर कॉलेज। तो बड़ी होशियार बच्ची दिख रही है, नेपानगर की। बिल्कुल सही उत्तर दिया इसने, बैठ जाओ बच्चे। अच्छा ये बताओ कि ए बैंड पर इन चारों में से क्या पाया जाता है? मायोसिन की, एक्टिन की, दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं? सर एक्टिन प्रोटीन। हाँ ये मुलताई वाले बोलो बेटा, मुलताई। हाँ मुलताई, हाँ बोलो बेटा, खड़े होकर बोलिए। अब थोड़ा याद करो। है सर एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। हेलो, देखो दो तो प्रोटीन ही के फिलामेंट है, एक मायोसिन और दूसरा एक्टिन। मायोसिन जो है वो डार्क बैंड में मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड। और आई बैंड को क्या कहते हैं, लाइट बैंड। तो लाइट बैंड में कौन सा प्रोटीन मिलेगा हमको? लाइट बैंड में एक्टिन और डार्क बैंड में मायोसिन प्रोटीन। तो ए ब्रांड में हमको मिलेगा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये सही उत्तर दिया इन्होंने, और नेपानगर का उत्तर भी सही है। अब आप देखिए, ये रेफरेंसेस भी मैंने कुछ दे दिए हैं, आप इन रेफरेंसेस को नोट कर लें और अच्छी किताबों से पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिजियोलॉजी समझ में आई होगी, और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।